नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। आज के इस वीडियो में हम कोई हैंड एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे कि अगर आपके हाथ में मछली का चिन्ह हो और अलग अलग पर्वतों पे हो तो क्या होता है, या एक से ज़्यादा चिन्ह हो तो क्या फल देता है, लाइन्स पर हो तो क्या फल देता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु पर्वत से। गुरु पर्वत देखिए, हाथ में हमने बताया वीडियोज़ में कि जो ये फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर के नीचे के पोर्शन को गुरु पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर अगर मछली का चिन्ह हो तो इंसान में विद्या काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेज को अपडेट करना, नॉलेज हर जगह से नॉलेज गेन करना, मल्टीपल फील्ड्स में नॉलेज होना, तरह तरह के फील्ड्स में, एक फील्ड तक इनका ज्ञान नहीं रहता, इनको कई सारी विद्याएँ आती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग धर्म कर्म के कामों में भी काफ़ी बड़ा एक तरह से इनका योगदान रहता है, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाते हैं, जो मान प्रतिष्ठा इनको चाहिए वो ये एक तरह से, जो पद प्राप्ति इनको चाहिए, जिस पोजीशन पे ये पहुंचना चाहते हैं, जो इनको एक तरह से होता है कि मुझे ऑफिस में इस पोजीशन पे, इस डेजिग्नेशन पे पहुंचना है, तो ये सब ड्रीम्स इनके फुलफिल हो पाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारी बातें एक साथ लागू हो जाएं, कि पोजीशन भी अच्छी मिल जाए और आप सोशल सर्विस भी करें, सोशल कार्य भी करें, इनमें से तीनों चारों में से कोई भी बात आपके ऊपर लागू हो सकती है। अब आते हैं शनि पर्वत की ओर। शनि पर्वत पर अगर ये चिन्ह हो, शनि पर्वत पर अगर जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से मछली का चिन्ह हो, तो इंसान अपनी ओल्ड एज बहुत लग्जरियस होती है। इसका एक लॉजिक है कि देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा अंत का ख़त्म होती है, अंत आता है, और ये ओल्ड एज आती है इंसान की, ये आप कह सकते हैं 60 के बाद का टाइम पीरियड। तो इंसान के पास पैसा ही पैसा होता है, एक से एक सुख सुविधा के हर साधन इनके पास होते हैं, चाहे आप नौकर चाकर से समझिए, गाड़ी बंगले से समझिए, अपना घर, अपना एक तरह से जो जो चीज़ चाहिए होती है आजकल सुख सुविधा के लिए, वो सब चीज़ इनके पास होती है। आप नौकर चाकर भी तभी अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप उनको तनख्वाह दे सकते हैं जब आपके पास खुद के पास अच्छा पैसा होगा। उसी तरह से आप अपने घर का मकान का सुख तब देख सकते हैं जब आपने जवानी में अपना मकान बनाया होगा, अपनी मिडिल एज में मकान बना पाए होंगे, मकान बनाने के लिए अच्छी अर्निंग चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें सुख सुविधा मछली दिलवाती है, और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक होता है कि आप अपने जो यंग एज है, मिडिल एज है, उसमें अच्छा पैसा कमा पाएँ, क्योंकि अगर आपका मिडिल एज ख़राब है तो आपका ओल्ड एज भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर आपने 50 वर्ष तक कुछ नहीं कमाया या आप दर दर भटकते रहे, तो ओल्ड एज में भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ पे आपको, आपके पास पैसा कम रहेगा, औरों के कंपैरेटिवली सेविंग्स कम होंगी, तो आप ओल्ड एज में भी स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आपकी मछली का चिन्ह है तो मिडिल एज में स्ट्रगल कम हो जाता है, 30 से 35 से लेकर 50-55 वर्ष तक इंसान काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, और उसका जो सुख भोगने का समय होता है वो ओल्ड एज में उसको मिलता है। तो ये शनि पर्वत पर इस तरह प्रकार का फल मिलता है। अब आते हैं यहाँ पर सूर्य पर्वत पर। अगर सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो इंसान को काफ़ी मान सम्मान, अच्छा पैसा, रुतबा, ये सब मिलता है, एक अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुँचता है। भाग्य रेखा भले ही कमज़ोर हो, लेकिन अगर ये मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर आ गया तो समझिए कि इंसान को अचानक से धन प्राप्ति के इतने अच्छे स्रोत मिलते हैं, इतने अच्छे योग बनते हैं, जो एक तरह से उसने सोचा भी नहीं होता है। और चाहे इंसान कितने ही गरीब घर में जन्म ले, चाहे उसके माँ बाप ने उसको कुछ पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, चाहे स्कूल भी ना गया हो, लेकिन वो अपने बलबूते पे कोई ना कोई ऐसी एक तरह से टैलेंट कहिए, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है जीवन में, जिससे वो आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कि जो 8वीं पास भी नहीं होते हैं, या कई बार बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। या कई बार आपने आज की डेट में देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा पर्सन जो 12th फेल है, 10th फेल है, लेकिन वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तो अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, वो अपने टैलेंट से, या ये कहिए कि अपनी क्षमता से, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है और अपने परिवार का नाम रोशन करना, जैसे हम कहते हैं कि इनके घर में कुछ भी नहीं था और आज ये राजा हो गए, तो वो ये मछली का चिन्ह इस तरह का फल दिलवाती है, तो वो इसी चीज़ का परिणाम होता है। अब हाथ में यहाँ पर चलते बुध पर्वत पर।
बुद्ध पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो तो समझिए इंसान एक तरह से पैसा कमाने में काफी धुरंधर होता है। तो एक तरह से उसके पास एक से एक पैसा कमाने की तिगड़म किसे कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है। कहाँ कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे सट्टा जुआ हो, उस चीज़ में उसके भाग्य बहुत तेजी से काम करता है। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये ऐसा एक तरह से अपने दिमाग के टैलेंट से वो कमाता है। हाथ में चाहे भले ही विद्या हो या ना हो, या पेरेंट्स से कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, इस चीज़ का इनसे कोई मतलब नहीं होता। वो अपने टैलेंट के बल पे अलग आगे निकलता है। जैसे कि अभी हमने सूर्य पर्वत पर भी बताया कि इंसान को अपने परिवार से चाहे कोई सपोर्ट ना मिली हो, चाहे स्कूलिंग ढंग की ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद जो ऐसे राइज कर जाते हैं लोग, जिनको हम देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हम खुद के बहुत लोग देख के उंगली तले एक तरह से उंगली दबा लेते हैं कि भाई ये कैसे इसके साथ हो गया, ये ऐसे इनके घर में तो बड़ी दिक्कतें थी, खाने की रोटी की भी दिक्कत थी और आज ये राजा हो गए, ऐसे क्यों? तो ये इस प्रकार से जब चिन्ह होते हैं तो ये योग बनते हैं। अब आते हैं मंगल पर्वत पर। अगर मंगल पर्वत पर इस तरह से मछली का चिन्ह हो, चाहे अंदरूनी मंगल हो चाहे बाहरी मंगल हो, तो इंसान काफ़ी अच्छा पैसा जमीन जायदाद में कमाता है। रियल एस्टेट का काम करना या प्रॉपर्टी में पैसा बनाना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान छोटा मोटा सा मकान लेता है, उसके बावजूद उसे बहुत प्रॉफिट होता है कि उसने वो जमीन बेची, उसको बहुत फायदा हुआ, करोड़ों का फायदा हुआ, कि कौड़ियों के भाव ली थी लेकिन आज वो जमीन करोड़ों के भाव हो गई। इस तरह से ये योग तब बनते हैं जब मछली का चिन्ह इस प्रकार से हो। तो और ये देखिए, अंदरूनी मंगल भी प्रॉपर्टी वेल्थ में ये हेल्प करता है, और ये मछली का चिन्ह अगर बाहर की ओर हो तो भी इस तरह के योग बनते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, और ऐसे लोगों के पास देखिए, मंगल पर्वत पर जब मछली का चिन्ह होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी योग बनता है, खूब प्रॉपर्टी उनके पास होती है। आप ये मान के चलिए 5-7 मकान तो उनके पास यूँ ही होते हैं। वो जिस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं वो सोना हो जाती है। एक तरह से मान के चलिए कि उनका ज़्यादातर पैसा उनके पास, ज़्यादातर पैसा उनका प्रॉपर्टी में ही लगा रहता है। जैसे हम सुनते हैं कभी कभी उसके पास 4 फ्लैट हैं, उसके पास 6 फ्लैट हैं, तो या कई सारे फ्लैट हैं, तो वो फ्लैट होना, दुकानें होना, ज़मीनें होना, तो ये सब मंगल पर्वत पर इस तरह के चिन्ह करवाते हैं। अब आते हैं चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह, साफ सुथरा मछली का चिन्ह है, तो इंसान बहुत यात्राएं करता है। उसका सूटकेस समझिए एक तरह से पैक रहता है, और वो अपनी आधी जिंदगी या तो ट्रेन में, एयरपोर्ट्स पे काटे रहता है। अगर मछली का चिन्ह इस प्रकार से अच्छा है तो आजकल फ्लाइट्स में ट्रैवल करना, एक तरह से विदेशों की यात्रा करना, या देश में भी, देश भर में घूमना, और कई सारे देश घूमता है। अगर वो विदेश घूमता है और रेखाएँ अच्छी हैं, भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल रही है, विदेश से इनकम के स्रोत बनाती है, तो इंसान समझिए उसका तो पूरे टाइम वो ऐसा लगता है कि हर वक्त एयरपोर्ट पर ही उसका एक तरह से घर बनने लगा, वो एयरपोर्ट पे ही रहने लगा, इस तरह की हालत हो जाती है उसकी। तो वो कई सारे देशों की यात्रा करता है वो। और कई बार ये मछली इस तरह से भी होती है, मछली का मुंह किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर इधर की ओर मुंह हो तो समझिए कि धन लाभ के योग विदेशों से बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर इधर की ओर हो तो ये समझिए कि कई बार लोग मल्टीपल देशों की यात्रा करते हैं, कई सारे देशों की, जैसे कि अगर किसी के बच्चे रह रहे हैं, रिश्तेदार रह रहे हैं, उस वजह से भी यात्रा करता है इंसान। और भी बहुत सारे, एक तरह से अगर किसी के दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग देशों में, तो यात्रा हो जाती है। या वो उसके पास पैसा इतना है कि वो उसके मन में इच्छा होती है कि हर साल एक नए देश को घूमे और उस यात्रा के मजे लूटे, तो इस तरह से ये योग बनते हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखिए, केतु पर्वत पर भी अगर मछली का चिन्ह हो और मुंह ऊपर की तरफ हो, और देखिए 2-3 बातें होती हैं इसमें। एक तो भाग्य रेखा से अलग चलना, एक होता है भाग्य रेखा से, अगर भाग्य रेखा से अलग हो, सबसे पहले हम भाग्य रेखा से अगर अलग चल रही हो और ऊपर की तरफ मुंह हो, तो इंसान की भाग्य रेखा में कितने भी कट्स हो, कितने भी राहु रेखा के कट आ रहे हो, तो वो बचा ले जाती है। पूरी तरह से तो नहीं बचाएगी, लेकिन ये कि हाँ, अगर 1,000 का नुकसान होना है तो इंसान 500 में या 300 रुपये में उसकी बला टल जाती है, उसका जो है मुसीबत ख़त्म हो जाती है। और ये मछली का चिन्ह कितनी भी रेखाएं काटें, कुछ भी परेशानी हो, वो उसे बचा ले जाती है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है, और साथ ही साथ अकस्मात धन लाभ के योग करती है। इंसान मुसीबत में फंसा हुआ है और उसको लग रहा है मैं कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अचानक से कोई ना कोई आके उसकी हेल्प कर देता है, या कहीं से अचानक से पुराना पैसा जो दबा होता है वो आ जाता है निकल के, और इंसान की परेशानी दूर हो जाती है। अब अगर मछली का चिन्ह देखिए,
भाग्य रेखा से जुड़ा हो और भाग्य रेखा कहीं से भी दिखे, इस प्रकार से। और मछली का चिन्ह जुड़ा हुआ हो तो भाग्य रेखा को एक बम्प मिल जाता है, एक एनर्जी मिल जाती है। भाग्य रेखा से जुड़ते के साथ ही मछली बहुत अच्छा फल देती है, बहुत उसको स्ट्रांग कर देती है, भाग्य रेखा को एक तरह से पावरफुल कर देना। तो इसमें भी अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं और काफी सारी एक तरह से भाग्य रेखा को जब बल मिल जाता है तो इंसान की किस्मत भी दौड़ने लगती। अब हाथ में अगर भाग्य यहाँ मछली का चिन्ह उल्टा हो, देखिए इस प्रकार से उल्टा हो तो इंसान में जीवन में काफी मेहनत करता है लेकिन उसको उतना फल नहीं मिलता, उसकी हमेशा ये शिकायत रहती है। लेकिन ये मछली उसको मेहनत करवाने के बाद ही फल देती है। अगर सीधा मुंह होता है तो इंसान मेहनत कम करता है, फल ज़्यादा मिलता है। अगर इंसान 100 रुपये की मेहनत करता है तो 1000 का फल मिलता है उसको, सीधी जब मछली का मुंह ऊपर की तरफ हो। लेकिन अगर मछली का मुंह नीचे की डायरेक्शन में हो जाए तो फिर इंसान को जितना मेहनत करता है उतने के फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो कहता है कि उसके एक तरह से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद। अब आते हैं शुक्र पर्वत पर। अब शुक्र पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह हो, देखिए शुक्र पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है। उसके पास एक से एक चीज़ सोची उसने और उसके हाजिर, मतलब ऐसा लगता है कि उसने बस मन में प्लान बनाया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या वो मोबाइल मुझे अच्छा लग रहा था बाजार में, मेरे को लेना है, मैंने देखा था, बस उसके एक हफ्ते के अंदर वो फटाफट खरीद वो चीज़ उसके हाथ में आपको दिखाई दे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो ड्रेसेस हो। शुक्र का जो मेन, शुक्र कहता है सजने संवरने की चीज़ों के बारे में, लग्जरियस आइटम के बारे में, आराम देने वाली चीज़ों के बारे में, एक तरह से कहना चाहिए कि दिखावटी चीज़ों के बारे में, भौतिक सुख के बारे में, इस तरह से। तो ये मछली का चिन्ह उन सब इच्छाओं को पूरा करता है। और ऐसे लोगों की ज़्यादातर लव मैरिज भी होती है, ऐसे लोगों को मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। अब देखते हैं कि अगर हमारे हाथ में, देखिए इस तरह से मछली का चिन्ह हो, देखिए जीवन रेखा से चिपक जाए, जीवन रेखा से अगर ये इस तरह से चिपक रही है, अगर बिल्कुल, देखिए दोनों बातों में फर्क है। मछली का इस तरह से जुड़ना, देखिए इस तरह से जुड़ना तो ये जीवन रेखा में एक बल प्रदान करता है, कई बार बहुत बड़ा फायदा भी कराता है। लेकिन अगर ये यव है, दोनों चीज़ों में फर्क है। देखिए यव इस तरह से होगा लेकिन उसमें पूंछ नहीं होगी, छोटा सा यव होगा, आइलैंड जिसे हम कहते हैं। जैसे हमने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि अगर आइलैंड हो तो हाथ में क्या होता है, तो ये आइलैंड बहुत नुकसानदेह होता है और इंसान समझता है कि वो मछली है। तो आप इस बात को ध्यान से देखें कि वो मछली है कि आइलैंड है। तो अगर आइलैंड है तो नुकसान देगा, लेकिन अगर यही मछली का चिन्ह हो, इस तरह से मछली का चिन्ह हो, तो इंसान को जीवन में उस उम्र में काफ़ी ज़्यादा धन लाभ के योग बनते हैं। देखिए अगर जैसे यहाँ तक में, इस पोर्शन तक में हो, तो समझिए 35-40 तक में धन लाभ के बड़े अच्छे योग बनेंगे। अगर यही चीज़ यहाँ पर हो तो यानी कि मिडिल एज में 60 तक में होगा, और अगर उससे नीचे हो तो ओल्ड एज में धन लाभ के योग। जैसे कभी कभी इंसान की कोई ज़मीन पड़ी रहती है, बहुत पहले उसने बचपन में खरीदी थी, एक तरह से यंग एज में खरीदी थी लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला, लेकिन ओल्ड एज तक आते आते उसके दाम इतने अच्छे हो गए कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा लाभ हो गया। या फिर उसको कोई पुश्तैनी ऐसी ज़मीन जायदाद अचानक से मिल जाना कि जिससे उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाना, उसका धन लाभ के योग हो जाना, उसके एक तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि उसको एसेट्स में वृद्धि हो गई, उसको बेच के बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाना, कोई इस तरह से कोई छुपा हुआ कोई चीज़ अचानक से धन लाभ के योग बन जाना, इस तरह के ये योग मछली दर्शाते हैं। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा में अगर मछली का चिन्ह हो तो ये कभी अच्छा नहीं माना जाता, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मछली का चिन्ह इंसान को जब इस तरह से मछली का चिन्ह बनता है तो मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मस्तिष्क रेखा, ये मुंह बंद हो जाना, इसका देखिए फिगर को समझिए, मुंह बंद हो जाता है। जब इस तरह से मुंह बंद होना मस्तिष्क रेखा में, इस तरह से बीच में एक यव का चिन्ह टाइप बनता है, तो ये मछली न होके एक यव का फल देती है। मछली भले ही हो, फल यव का देगी, इंसान का माइंड टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और उसकी स्थिति मरने वाली हो जाती है, एकदम मरणासन स्थिति में वो पहुँच जाता है, उसको लगता है कि सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशंस, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और वो
अपने खुद नहीं पता चलता उसे कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं कैसे जी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, और उसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये टोटली डिस्टर्बिंग इवेंट उसकी लाइफ में उस समय हो जाता है। और देखिए, अगर ये चीज़ इधर, ये मान के चलिए इस इधर की ओर ये मछली है, तो बचपन में, यानी कि 25, एक तरह से हम मान के चल सकते हैं 25-30 तक में, यंग एज में, बचपन में, यंग एज में उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो मिडिल एज में, हम मान सकते हैं 30-50 के बीच में कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, जिसके वजह से इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान रहा, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड करने की इच्छा होना, साथ में एक तरह से डिप्रेशन की भावना आ जाना, और बिल्कुल जैसे कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों जीऊँ, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। हे भगवान, मैं इस मुसीबत से कब निकलूँगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। और अगर यहाँ पर हो तो ये समझिए 50 के बाद उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति बन जाना जिसकी वजह से उसके मन और दिलो दिमाग पे ये असर आना। तो ये इस तरह से, ये 30 तक और 30-50 के आसपास, और ये 50 के बाद इस तरह से। अब हाथ में यहाँ पर देखिए कि अगर ये भाग्य, अगर ये हृदय रेखा पर हो तो हृदय रेखा पर भी ऐसी फल समझना चाहिए। हृदय रेखा पर भी ये देखिए, ये हृदय रेखा का थोड़ा सा चलने का तरीका इधर से चलती है और इधर एंड होती है, ये ओल्ड एज होती है। तो ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे 3 में डिवाइड कर लें, 3 में इसलिए बता रहे हैं कि समझने में आसानी हो, तो ये 30s, ये 0 to 30 years हो गया, ये 30 to 50 हो गया, ये 52, आप समझिए 70, 80, 100 तक, इस तरह से। तो कोई हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आ जाना, कोई एक तरह से घबराहट रहने लगना, कोई बहुत बड़ी, अगर मछली है तो एक तरह से वो आइलैंड का फल देगी, कोई बहुत बड़ा धोखा मिलना। कई बार होता है इंसान अपने पैसे किसी मजबूर आदमी को दे देता है, बातों में आ जाता है कि नहीं अच्छा उसको बहुत ज़रूरत है, और इंसान ने एकदम बड़ा रकम निकाल के उसको दे दी और वो धोखा दे के भाग गया, तो ऐसे में बहुत झटका लगता है। इस तरह से कोई ब्रेकअप हो जाना, कोई बहुत बड़ा एक तरह से किसी से धोखा मिलना, और या इस तरह से जो धोखे, ब्रेकअप्स, और साथ में आप ये समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, या एक तरह ब्लड प्रेशर से भी बड़ा हार्ट अटैक वाली सिचुएशन, हार्ट डिसीज होना, इस तरह के इंडिकेशन ये देता है। तो ये था मछली का चिन्ह का रिजल्ट, कि अलग अलग पर्वतों पे, अलग अलग लाइनों पे क्या असर दिखाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके हाथ में मछली का चिन्ह कहाँ पर है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें हमसे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।